हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में, आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। क्लास टेंथ का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट ये। कल हमने, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी इसके बारे में कि भाई व्हाट आर रिसोर्सेज, और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करा। आज हम इससे आगे चलेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब हमारे पास कितना स्टॉक है, जैसे अभी घर में कितना आटा, दाल, चावल, ये सब चीजें हैं, तो इसको हम इन्वेंटरी कहते हैं। ऑफ रिसोर्सेज यानी देश में कितने रिसोर्सेज हैं अक्रॉस द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स क्या क्या होता है इसमें? सर्वेइंग, मैपिंग, जितनी भी जगह मैप बनाते हैं, मैप प्रिपेयर कर रखते हैं, सर्वे करके रखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? प्रिपेयर अ प्लानिंग विच इंक्लूड्स स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। मतलब हमारे पास कैसी स्किल के लोग हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, कितना सेटअप है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, इन सब चीजों को देखते हैं। यानी पहले में हमने रिसोर्सेज देखी, दूसरे पे हमारे पास है क्या। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट यानी हम इन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप, कैसे यूज कर सकते हैं। प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, पूरे देश के डेवलपमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग मैच करते हैं हम इसे, कि इसको बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। यानी कितने रिसोर्सेज हैं, क्या सेटअप है, कैसी स्किल्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, और साथ में हम उसको देखते हैं कि रिसोर्सेज को हम कितना यूज कर सकते हैं और हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स क्या हैं। तो जिसमें रिसोर्स में सबसे एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स आती है हमारी जो इस चैप्टर में है, वो है लैंड। क्या है? लैंड। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, और लैंड यूटिलाइजेशन यानी पृथ्वी पर, जमीन पर, जमीन इस अर्थ पे लैंड का कैसे यूज हुआ। यानी लैंड जैसे हमारी जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, काफी जमीन पर हमारे फॉरेस्ट है। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी जो लैंड फॉरेस्ट भी नहीं है और अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, वो कैसे, जैसे वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड है, बंजर भूमि है, जिस पर कोई खेती नहीं हो सकती, ना ही कोई पेड़ है उस पर। थर्ड आती है अदर अनकल्टिवेबल लैंड, जैसे जो ऐसी जमीन है ना तो वो बैरन है, ना तो वो वेस्ट लैंड है, ना उनपे फॉरेस्ट है, जो हम तीसरी वाली पॉइंट पढ़ रहे हैं। मगर ये कुछ ऐसी जमीन होती है जिनको ग्रेजिंग्स के लिए, यानी पेस्चर्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए हम इन्हें छोड़ देते हैं। चौथी आती है फैलोलैंड। फैलोलैंड है करंट फैलोलैंड, यानी करंट फैलोलैंड क्या होती है? द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेबल फॉर लेस देन वन ईयर, एक साल के लिए, एक साल से कम समय के लिए जिस जमीन को खाली छोड़ दिया जाए, खेती होती थी उस पर, हो सकती है, मगर अभी एक साल से नहीं हुई है, तो उसे हम कहते हैं करंट फैलोलैंड। इसके बाद आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉप क्रॉस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में मिलते हैं। इससे पहले हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि भाई रिसोर्सेज क्या होती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। उसके बाद हमने सबसे इम्पोर्टेंट, फिर हमने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करी, डिस्कस किया हमने प्रीवियस पार्ट्स में, और फिर हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया कि भाई टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में डिस्कस किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। और अब हम सॉइल का, आज टॉपिक जो है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, मगर उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं आज। तो देखिए, सॉइल इरोजन पढ़ेंगे और फिर सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच द अपर पार्ट विच इज मोर फर्टाइल वो रिमूव हो जाता है। अब उसके रिमूव होने के दो रीजन है, वो क्यों सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर रही है। द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। अगर कोई भी मिट्टी, कोई भी जमीन अपनी फर्टिलिटी को रिमूव कर देती है किसी भी रीजन से, तो दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। एंड देयर आर द टू मेजर कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट इज द नेचुरल कॉज, नेचुरल एजेंट है, जैसे विंड है एक नेचुरल एजेंट है, वाटर एक नेचुरल एजेंट है, तो इन दोनों की वजह से अगर सॉइल इरोजन होता है तो दैट इज नोन एज नेचुरल रीजन। ह्यूमन रीजन क्या होते हैं? ह्यूमन रीजन अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ह्यूमन रीजन जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रीजंस क्या है, नेचुरल क्या कॉजेस हैं। भाई जमीन के ऊपर, मिट्टी को कि अपर लेयर को अगर विंड बहुत तेज फ्लो ब्लो कर रही है और बहा के ले जाए, जैसे कभी कभी आंधी वगैरह बहुत तेज आती है, ऐसे में धूल बहुत उड़ती है, तो ये कॉज होता है सॉइल इरोजन का। दूसरा वजह होता है वाटर का। वाटर में के तीन प्रोसेस है, तीन पार्ट्स में सॉइल इरोजन होता है। सबसे पहले आता है शीट इरोजन, SHEET, शीट इरोजन। शीट इरोजन ने कहा था ये हमारी टॉप सॉइल है, ये अपर लेयर है हमारी,
ये क्या है हमारी अपर लेयर है। अब पानी का यहाँ पे लगातार फ्लो चलता रहा, जैसे आप कभी कभी अपने गार्डन में क्या करते हैं जो पानी का पाइप होता है उसको छोड़ देते हैं, तो जहां पर उसका बिल्कुल पानी निकल रहा होता है उस जगह पर वो क्या कर देता है अपर लेयर को रिमूव कर देता है, यानी ये देखिए अपर लेयर रिमूव हो गई है। तो ये पहला प्रोसेस जो है जब पानी फ्लो कर रहा है मिट्टी के ऊपर तो वो क्या कर रहा है शीट इरोजन क्रॉस कर रहा है। अब सेकेंड स्टेज है, ये पहली स्टेज थी, ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज यानी अभी भी अनचेक्ड कॉन्टिन्यूसली पानी बह रहा है, तो ये जो शीट है ये पतली पतली ऐसे धारियों में डिवाइड हो जाएगी और यहां से पानी और गहरा और तेजी से बहना शुरू कर देगा, बिल्कुल हमारी फिंगर्स के बराबर इतनी छोटी छोटी बीच में नालियां टाइप की बन जाएगी, जगह बन जाएगी जमीन में नीचे मिट्टी में और उससे पानी फ्लो करता रहेगा। अभी भी सेकेंड स्टेज में रिल इरोजन, ये से कहते हैं रिल इरोजन। थर्ड स्टेज आती है, ये थर्ड स्टेज है, इसको कहते हैं गली इरोजन। When these rills, ध्यान सुनिएगा, when these rills become broader, और चौड़ी हो जाती हैं ये rills, तब इसको कहते हैं हम गली इरोजन। यानी वाटर इरोजन पहले शीट रिमूव करता है, अगर हमने पानी के फ्लो को यहीं रोक दिया तो रिल और गली नहीं फॉर्म होंगी, फिर अभी भी पानी अनचेक्ड बह रहा है तो रिल इरोजन कॉज कर रहा है। तीसरा गली इरोजन, गली क्या होता है ये बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, मिट्टी कहीं से कट के जब रेनी सीजन में हम अक्सर देखते हैं पानी मिट्टी में से कहीं बहुत तेजी से फ्लो होता हुआ आता है, अपर पार्ट को बहाता हुआ आता है, दैट इज नोन एज गली इरोजन। अब ह्यूमन क्या, ह्यूमन कैसे रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, भाई डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज एरिया इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब पेड़ कट जाते हैं तो वो रूट्स वहां से उखड़ जाते हैं, तो वो रूट्स जो सॉइल को होल्ड करके रखती है वो छूट जाती है, तो उससे कभी भी वाटर या विंड उसको ब्लो करके ले जाता है। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कौन करते हैं जानवर करते हैं, जब वो ज्यादा ग्रेज कर लेते हैं किसी भी लैंड को तो वहां पर ये सॉइल इरोजन कॉज होता है। अगला आता है फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते वक्त गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है या सही तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते तो दैट इज नोन एज फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें ओवर इरिगेशन भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉइल इरोजन वाला पार्ट। अब सॉइल को कंजर्व करना है तो देखिए बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट क्या होता है एफॉरेस्टेशन, बट वी हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, वी हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। एफॉरेस्टेशन, अब एफॉरेस्टेशन क्या हुआ, एफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स आर ये ट्री प्लांटेशन ऑफ ट्रीज आर डन, जब हम बड़े पैमाने पे प्लांट से ट्रीज को प्लांट करते हैं लगा देते हैं तो ये डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट हो गया एफॉरेस्टेशन। जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो भाई हम ग्रेजिंग के बिना भी नहीं चल सकते क्योंकि लाइव स्टॉक्स जो है जो एनिमल्स हैं वो भी हमारे बहुत बड़ी हमारी रिसोर्सेज हैं, हमें उन पर भी डिपेंड होना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ग्रेजिंग, जानवरों की ग्रेजिंग के लिए एरियाज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि यानी पर्टिकुलर एरियाज में सिर्फ एनिमल्स ग्रेज करेंगे। प्रॉपर यहाँ पे था फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर को लिखा है। प्रॉपर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं एरिया टू एरिया, हिल एरियाज पे हो रहा है, प्लेन एरियाज पे हो रहा है, या बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी है जैसे पंजाब वाला रीजन है वहां पे ये प्रॉब्लम होती है, ओवर इरिगेशन हो जाता है, पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो अनचेक्ड पानी बहुत ज्यादा खेतों में चला जाता है जो अपर लेयर को फर्टाइल लेयर को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर अलग अलग एरियाज रीजन्स के अकॉर्डिंग सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स एग्रीकल्चर के मेथड्स होता है, जैसे टेरेस फार्मिंग है हिल्स में प्रैक्टिस होती है। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, इस तरह से टेरेसेस हिल्स के ऊपर यहाँ पर खेती करी जाती है, इन जगहों पर खेती करी जाती है, ठीक है, ये टेरेस फार्मिंग होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स बना लेते हैं इस तरह से, और हमारी खेती जो होती है इन एरियाज में होती है, इन एरियाज में होती है। शेल्टर बेड्स है, खेतों के चारों तरफ शेल्टर बेड्स प्लेस कर दिया, कुछ पेड़ पौधे ग्रो कर दिए जाते हैं ताकि विंड जो है वो पेड़ उन क्रॉप्स को अफेक्ट ना करे, फर्टिलिटी सॉइल की रिमूव ना हो। और फ्लाइंग अलोंग द काउंटर बेल्ट्स, काउंटर लाइंस भी बना दी जाती है। तो देयर आर सम मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व डू द प्रॉपर एग्रीकल्चर एंड कंजर्व द सॉइल। इस चैप्टर को हमने आज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लिखेंगे। ये क्वेश्चंस के जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, क्वेश्चंस का आपको पेजेस पे लिखकर अपना नाम, अपनी क्लास, अपना बैच नंबर, अपना मोबाइल नंबर प्रॉपर, अपने पेरेंट्स का भी, और जो व्हाट्सएप नंबर अगर सेम है तो एक ही नंबर लिखिएगा, अगर डिफरेंट है तो अलग अलग लिखिएगा, और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं, आंसर्स आपको पेजेस पे लिखने हैं और उनका
फोटो खींच कर आपको मैसेज करना है। मैसेज कहाँ करना है ये आपको आपके मैसेज ग्रुप पे बता दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रिसोर्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिसोर्सेस। सेकंड क्वेश्चन राइट द फीचर्स ऑफ एलिवल सॉइल। राइट द फीचर्स ऑफ बोथ एलिवल एंड ब्लैक सॉइल। दोनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। डिस्क्राइब द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैं आपको इस चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन दूंगा क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा लास्ट ईयर चेंज हो गया था। अभी करंटली उसमें एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस में, तो हम एक एक नंबर के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आगे करेंगे। अभी हम बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड्स which are helpful in soil conservation. Full stop. Briefly, explain briefly. अच्छे से इसको पूरा इसी को क्वेश्चन दिया मैंने, इसको पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको भेजना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।